पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान समेत अपनी क़यादत को तनकीद का निशाना बना डाला और शिकवे शिकायात की। दहम वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर ज़ुल्फ़ी बुखारी ने तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मशीर सैयद ज़ुल्फ़ी बुखारी के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों और अहदेदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के दौरान पीटीआई बरतानिया के सदर राना अब्दस्तार, पीटीआई लंदन के सदर बैरिस्टर वहीदुर्रहमान, वज़ीर आज़म के मशीर बराए सरमायाकारी साहबजादा जहांगीर खान और दीगर अहदेदारों ने अपने अपने खिताब में शिकवे शिकायात की और कहा कि पीटीआई में 85% लोगों का ताल्लुक पीटीआई से नहीं और जिनका एहतसाब किया जाना जरूरी था वो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। मियां वहीद साहब हजार वोट से जीतते, हजार वोट इनको कहां से मिलेंगे? हजार वोट मियां वहीद साहब को इनको खरीदने पड़ते, भुट्टा साहब को वोट मिले हजार, कहां से आ गए? और हमें शर्म आनी चाहिए। पीटीआई गवर्नमेंट ने आके सबसे पहले क्या करना था? चोरों की चोरी पकड़नी थी और इंसाफ देना था। हम अभी तक क्या वो कर सके हैं? वज़ीर आज़म के साबिक मशीर ज़ुल्फ़ी बुखारी ने तमाम शिकायत और शिकवे तवज्जो से सुने और मोबाइल फोन बंद करने के अरसे को बढ़ाने समेत मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मैकेनिज्म ने कहा नहीं कि हर बंदे को एक फोन की इजाजत हो, तो ये इंशाअल्लाह अगले एक चंद हफ्तों में हो जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर खूबसूरत कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम शुरका खूब महसूस हुए। साथी रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह के साथ वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़ लंदन।